गढ़ी सिकंदरपुर से आप ये लाइव तस्वीरें जो हैं देख रहे हैं। ग्रामीण यहां पर पहुंचे, पूरा रुझान है विजय जैन की तरफ और विजय जैन को लड्डुओं से नहीं बल्कि सेपों से जो है तोला जा रहा है। तस्वीरें साथ के साथ शेयर करें। गढ़ी सिकंदरपुर में हम लोग लड्डू भी बट रहे हैं और सेब भी बट रहे हैं। विजय जैन का क्या रुझान लग रहा है? बहुत बढ़िया रुझान है जी, बहुत बढ़िया बनेगा जी ये। अच्छा, अच्छी वोटों से बनेगा जी। ये दूसरे फिर रहे हैं जो, वो उनका तो जी 10 साल हो देख लिया मई पर डंडा वगैरह का भी जो था प्रोग्राम, कभी सूद नहीं ले है जी, तो इसलिए परिवार जनता नहीं चाहती जी। लेकिन वो तो कह रहे कॉलोनी में बड़ा काम करवाया, कॉलोनिया पक्की करवाई ना जी ना, कॉलोनिया में एक दो कॉलोनी में करा दिया बस, और क्या जी बताओ। कितने वोटों जीता दोगे? जैन साहब को कम से कम 1 लाख वोटों से जीते, 1 लाख वोटों जीत जाओगे। बहुत बढ़िया बढ़िया काम करा देगा। हाँ करा देगा, बहुत नरम बढ़िया है, नरम बढ़िया बढ़िया तो नरम हो करा जी, बढ़िया काम करवाओ। बिना बने भी इसने बतेरे काम करवाए, लोगों की आँख बनवाई। आप क्या सोचते हो विजय जैन के बारे में? मैं भी अच्छा ही सोचता हूँ सर, जो काम करने वाला योग्य आदमी है उसको वोट देना है, ऐसे नहीं वोट खोना, वोट उसको देना जो हमारा मतलब कॉलोनी का उद्धार करेगा उसको वोट देंगे सर जी। ये बात विजय जैन जो बोल रहा है समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ समझ आ रही है, आ रही है, इसकी भी समझ आ रही है। काम करने वाले बंदे हैं ये भी, काम करेंगे इसको वोट देंगे, जरूर देंगे। चलिए विजय जैन के समर्थक हैं, विजय जैन से भी बातचीत करने की जो है कोशिश करेंगे। फिलहाल गढ़ी सिकंदरपुर से आप लोगों को ये लाइव और सीधी तस्वीरें जो हैं दिखा रहे हैं, जहाँ पर विजय जैन का समर्थन देने के लिए लोग जो है यहाँ पर पहुँचों में हैं। जिस दिन फड़का निशान मिल गया था नहीं, बस बेड़ा पार हो गया, कुछ दिन बारे ना बाकी तो ये करना सभी ने है। फड़के बगैर ना कोई पूजा उन दिन पाठ होती, सबसे शुभ है। और फिर ये तो सेब है जैन साहब, आज की डेट में लोग आपके पीछे पीछे हर गली में देख रहा हूँ और गांव में देख रहा हूँ, आपके समर्थक हैं, लगता है बेड़ा पार हो गया। देखिए ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मेरे 36 बिरादरी जिन्होंने मुझे खड़ा किया और एक विश्वास दिलाया था कि भाई विजय जैन आपको सिर्फ नामांकन बनना है, 36 बिरादरी आपका विजय जैन बन के चुनाव लड़ेगी। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से आज 36 बिरादरी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने आपको विजय जैन समझ के और अपना बेटा और अपना भाई समझ के मेरे को जिस तरह चुनाव लड़वा रही है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ उन्होंने मेरा नामांकन भरवाया, मैं भी उनके लिए अपनी जान की बाजी लगा दूँ। आपको लगता है कि लगातार आप कॉलोनियों में मेहनत कर रहे थे, अपने वार्ड के लिए मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत जो है धीरे धीरे रंग ला रही है आपकी? नहीं देख ले, मैं अपने वार्ड तक ही सीमित नहीं रहा, मैं हर वार्डों में गया, हर गाँव में गया, मैंने पूरे पानीपत ग्रामीण में ही नहीं पूरे ज़िले में कोशिश की कि पूरे पानीपत ज़िले का मैं बेटा और भाई बन के उनकी सेवा करूँ। निगम में जो मामले आपने उठाए, जनता चाह रही है कि ऐसा कोई है उनको मिले, विधायक मिले जो उनकी आवाज़ जो है विधानसभा तक उठाए। नहीं देखिए जब हाउस की मीटिंग थी, मैं भाजपा का पार्षद होने के नाते भी अपनी सरकार के खिलाफ जाके बोला, क्योंकि मुझे चिंता अपनी सम्मानी जनता की, जिस जनता ने हमारे को चुन के भेजा अपने सर माथे पर उठाया, तो हमारा फर्ज बनता है अगर जनता को कोई परेशानी होती तो उनको परेशानी ना आने दी जाए। आपको लगता है भाजपा जिस हिसाब से आई थी सत्ता में, 10 साल उन्होंने राज किया, लोगों के दिलों पर वो राज नहीं कर पाए, प्रॉपर्टी आईडी की बात करती है, फैमिली आईडी की बात करें, आधार कार्ड की बात करते हैं, अभी भी लोग लाइनों में लगे हुए ठीक करवाने के लिए? अब तो ये खाली जुमलों की सरकार रह गई है, जिस तरह से ये घोषणाएं करते हैं लेकिन उसमें काम कुछ नहीं करते, सब ये सोचते हम बड़े नेता हो गए हैं, हम जनता के बीच में क्यों जाएं, जनता अपने वोट अपने आप वोट देगी, लेकिन ये जनता है, जनता के बीच में रहना पड़ेगा, उनके दुख सुख में शामिल होना पड़ेगा, उनके दिलों में जगह बनानी पड़ेगी। अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन से क्या सिस्टम चला हुआ है, जहाँ भी मेरे पोस्टर लगते हैं वो विपक्ष वाले पोस्टर उतार देते हैं, उसको फाड़ देते हैं। कल रात को मैंने एक जगह नूरवाड़े में जो देखा, कुछ साथी थे वो पोस्टर उतार रहे थे, मैंने देख लिया, मैंने गाड़ी रुकवाई, पूछा कौन हो, वो हंसने लगे, बाबूजी आप भी जानते हो भाई आपकी टक्कर किससे है और ये काम वो करवा रहे हैं। मैंने उनको कहा भाई पोस्टर वहाँ भी लगे वो भी उतार देना, लेकिन जो लोगों के दिलों में मैं बैठा हूँ दिलों से कैसे निकालोगे।
हंसने लग गया। विजय जैन का इतना डर हो सकता है? देखिए प्रभु कृपा है, ये 36 बिरादरी ने जो आशीर्वाद दिया, आज हर आदमी जान चुका है कि कौन उनके दुख सुख में साथी है, कौन नेता बनने के लिए आया, कौन पैसा कमाने के लिए आया, जनता सब जान चुकी है। अब की बार 1 लाख पार कह रहे हैं। बिल्कुल 1 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे, 1,11,111 का टारगेट है। आपका भी बहुत अहम रोल रहेगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये परिवार जो है गौशाला की सेवा में पिछले 25-30 साल से लगा हुआ है, 25-30 साल से लगा हुआ है, तकरीबन मेरे ख्याल से 40 लाख रुपए साल का मतलोडा पानीपत संभालखा जो भी है सेवा करता, ये सेवा बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी। गौ माता जो है उसकी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके अंदर 36 करोड़ देवी देवता बसते हैं। और ये खाली ये नहीं, ये चार भाई, इनके फादर और चार भाई, चारों का चारा परिवार, बच्चे भी भतीजे भी, और मेरी फैक्ट्री तो कावड़ी रोड पर, कोई बात हो नहीं मैं तो इनके कान पकड़ने की मत रखता हूँ। हमारे तो वैसे भतीजे लगते हैं, कोई बात भी हो, कावड़ी रोड फैक्ट्री है मेरी बालाजी के नाम के, इंदू के सामने कोई बात होगी तो मेरे पास आ जाना, ये ना सुना तो मेरे पास आ जाना, मैं अपना मतलब हर बात करने की हिम्मत रखता हूँ। आप कहेंगे कुछ? हाँ जी, जो अपने जो हमारे ग्रामीण हलके में पहले भी विधायक रहे हैं, उन्होंने सिर्फ कागजों में ही कार्य किए हैं, ना ही कोई, ना तो किसी युवा का काम किया, कोई पढ़ाई का लिखाई का या नली का नाली का गली का अपना और राशन कार्ड का या किसी के बिजली का कोई भी काम नहीं किया। सिर्फ एक ही धैर्य है, अगर भाई 2-4 आदमी अपने गांव में इकट्ठे करे, उसके तरीके से बात करी, किसी ग्रामीण हलके का या किसी गांव वाले का काम करना है तो भाई उनसे जाके मिलो। जबकि हमारे विजय जैन जी ऐसे हैं भाई, अपना जो सारा बिजनेस कारोबार अपने परिवार को देके और जनता के बीच में आ गए हैं। और इन्होंने तो इतना काम किया है कि लॉकडाउन में 25,000 पैकेट हर रोज़ खाने के बनते थे, हर घर तक पहुँचाए हैं। उसके बाद में कोविड में गैस सिलेंडर थे, उनकी सुविधाएँ करवाई हैं, दिल्ली से, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से, वो भी हेल्प करी है। और जो भी कोई भी गरीब आदमी बीमारी के हरी बीमारी के लिए जाता है तो वहाँ भी दुख तकलीफ में शामिल होते हैं। उसके बाद में कन्याओं की शादी करवाते हैं, अपने किसी का भी कोई भी अपना घर का मकान का किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हर गरीब आदमी की सुख दुख के साथी है। बिल्कुल ऐसा विधायक जो आया है पहली बार आया है, चाहे उससे पहले विजय उस ओम प्रकाश जैन जी थे जो पब्लिक की सुनते थे और कार्य करते थे, अब जो ये हमारे विजय जैन जी आए हैं एक ऐसे आदमी हैं जो अपना सब कुछ त्याग करके और पब्लिक की सेवा करने के लिए आ गए हैं। ठीक है जी, मैं इनका कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बीच में ग्रामीण हलके में ऐसे नेता आए हैं। चलिए 5 तारीख नज़दीक है, सोच समझ के अपना वोट देना है, जो आपके काम है सिर्फ उसी की ओर ध्यान देना। गाँव में पानी की निकासी नहीं हुई आज तक, इतने साल हो गए, देश आजाद हो गया, लेकिन पानी की निकासी की तरफ किसी ने नहीं देखा। और यहाँ हम थाने तक चले गए पानी निकालने के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पूरे गांव की तरफ से कि आप जैसे ही MLA बनते हो पहले गांव के लिए काम होना चाहिए, तो पानी की निकासी के लिए होना चाहिए। आपका पूरा दिल से धन्यवाद करते आप आए, जो पूरे जोगी समाज की तरफ से, विरागी समाज की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद करते। लो ये एक समस्या है जी, MLA बनते हैं। बिल्कुल ये पानी की निकासी की समस्या खाली गढ़ी सिकंदरपुर में नहीं, हर गांव में समस्या है। लेकिन आज तक इन नेताओं ने कोई मैप नहीं बनाया कि क्या किया जाए। हमारा सबसे पहले इसी काम के ऊपर फोकस है, जो गांव की कॉलोनियों की जो समस्याएं है वो पूरी करेंगे।